तो गाइस ये है टाटा मेगा एक्सल डीजल इंजन, और इसके सामने खड़ा है जीप एक्सल टाटा का। दोनों गाड़ियां BS4 है और आज की वीडियो में बहुत बड़ा जोर है और बहुत मज़ा आने वाला है आज। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मैंने एक जीप एक्सल का वीडियो बनाया था BS4, जिसके अंदर मैंने सारे सेंसर की रेट बताई थी। तो एक रिटर्न पाइप थी दोस्तों जो इंजेक्टर के ऊपर लगती है, उसकी आज बात करने वाले हैं। अब देखिए आप, ये पाइप है इंजेक्टर के ऊपर लगती है, यानी नोजल की रिटर्न पाइप है, और ये कुछ यहाँ पे 800 रुपये मान लो आप, 800 रुपये की, ठीक। अब आप यहाँ पे ये जीप एक्सल है, इसकी एक छोटी सी क्लिप देखिएगा आप। अभी फ्यूल रिटर्न पाइप जो इंजेक्टर यानी नोजल के ऊपर लगती है फ्यूल को रिटर्न करने के लिए, ये हमें पड़ी है भाई साहब 3000 से भी ऊपर की छोटी सी पाइप। यार मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। तो दोस्तों माना कि दोनों गाड़ियां सेम नहीं है, ये मेगा एक्सल है और वो जीप आयरस है, लेकिन पाइप वो छोटी सी पाइप सेम ही थी और उसी तरीके से वो लगती है। जबकि मेगा एक्सल के अंदर वो डबल नोजल आती है, तो दो एडेप्टर आते हैं, और जीप एक्सल के अंदर एक। तो जीप एक्सल तो दोस्तों बच्चा है यार इसके सामने, मेगा एक्सल के सामने। फिर भी यार ये कंपनी वाले पता नहीं क्या है यार, सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। इतने हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो गाइस देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्या करें, अब ऐसे ही चलता है। तो आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। अब ये है टाटा मेगा एक्सल, और इसमें बहुत सारी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो अभी कंपनी ने सोल्व की है। एक EGR की पाइप है जो बहुत ख़राब हो रही थी, वो चेंज करी है। ये देखिए ये पाइप है EGR की, ये बहुत ही गाड़ियों में हमने चेंज करी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये फट जाती है, गाड़ी दबने लग जाती है और केबिन में धुआं आने लग जाता है और फटी फटी आवाज़ आती है। तो कंपनी ने इसका सोल्यूशन निकाला है, तो कंपनी के लिए एक लाइक। तो देखिए कंपनी ने ये पाइप चेंज कर दी है, ये पाइप लगती है EGR और एग्जॉस्ट के ऊपर। तो देखिए ये कंपनी ने मजबूत दे दी है थोड़ी, ये पुरानी वाली है और एक मेरे हाथ में नई वाली है। नई वाली और पुरानी वाली को आप देख के समझ सकते हैं। नई वाली अभी एकदम लेटेस्ट मॉडल की है, चेंज कर दी है, और इसकी कीमत है अपने 1400 रुपये, 1400 मतलब 1500 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको रख देते। तो इस वीडियो को देख के आप भावुक मत होइएगा, क्योंकि कंपनी है, इनका काम ऐसे ही चलता रहता है। और बहुत जल्दी एक नया वीडियो आने वाला है टाटा मैजिक का, जो कि 5-6 साल से एक ही जगह खड़ा है। देखना ये है कि वो स्टार्ट होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप बहुत जल्दी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि मिल जाए आपको। इसीलिए समझ रहे हो ना।